આપણે પહેલો અને બીજો પાઠ છે એનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. હવે આપણે આજે પાઠ ત્રીજો એટલે કે સમજદાર નન્હી. નન્હી યાની કે બતક કી બાત યહાં હમે બતાઈ ગઈ હૈ. इस कहानी में व्यक्ति को किस परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है. हमारे समाज में कुछ लोग का स्वभाव बुरा होता है और लेकिन अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए. कोई बुरा होता है, कोई अच्छा होता है. यह पाठ में हमें यह बताया गया है हमारा स्वभाव जो अच्छा है वो कोई भी हमारे साथ कितना भी क्यों ना बुरा करे, हमें हमारा स्वभाव जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए. यह बात हमें यहाँ सिखाई गई है इस पाठ में. नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है. नन्ही नाम की बतख है, बतख का नाम नन्ही है. वो तट पर यानी कि तालाब के किनारे आई है. वहाँ आते हैं तो वो देखती है कि एक बिच्छू जो है वो दलदल में यानी कि कादों कीचड़ में फंसा हुआ है. बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की. बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो. बिच्छू दलदल में फंसा था तो उन्हें बतख नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो. नन्ही को तो उस पर दया आ गई. उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया. वहाँ से दलदल में कीचड़ में जो फंसा था वहाँ से उठा लिया और सूखे स्थान पर जहाँ कादव नहीं था, गीलापन नहीं था, वहाँ उसे रख दिया. बिच्छू को शैतानी सूझी. देखो बिच्छू का स्वभाव क्या होता है, डंक मारना, और वो कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता. तो उसको तो एक शैतानी सूझी यानी कि तुत सूझी. उसने नन्ही को डंक मार दिया. नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा था. तो जैसे ही उसने सूखेपन में बिच्छू को बिठाया तभी क्या किया बिच्छू ने, नन्ही को डंक मार दिया. नन्ही तो बेचारी पीड़ा से तड़प उठी, दुखी दुखी हो गई. उसने बिच्छू से पूछा क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा, क्यों? तो कि बिच्छू लापरवाही से बोला. वो तो उसके स्वभाव में ही था कि कोई अपना अच्छा काम करे फिर भी हम उसे बुरा के बुरा ही बर्ताव करे, सुलभ करे उसके साथ, क्या करो डंक मारना मेरा स्वभाव है. बिच्छू ने तो ऐसे कह दिया कि तुम्हें क्या करो, मैंने थोड़ी ना तुम्हें कहा था कि तुम मुझे निकालो ही निकालो, मेरा तो स्वभाव है डंक मारना, तो मैंने तुझे डंक मार दिया. नन्ही बोली तुम यह गंदी आदत छोड़ दो के नहीं तो कोई मुसीबत में पड़ोगे तो तुम्हारी रक्षा करने कोई नहीं आएगा. नन्ही उसे अच्छी सलाह देती है कि तुम्हारी ये डंक मारने की जो आदत है ना वो आदत छोड़ दो के वरना दूसरी बार ऐसा करोगे तो तुम्हारी रक्षा करने मदद करने कोई नहीं आएगा. नन्ही बोली. बिच्छू उसकी बात सुनी अनसुनी आगे बढ़ गया. बिच्छू ने तो उसकी बात सुनी भी नहीं और वो आगे चल पड़ा कि मुझे क्या करना है. इसके बाद सुन के नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई और नन्ही अपनी माँ के पास वहाँ से चल गई. माँ ने पूछा नन्ही तो वो बिलख रही थी ना, तड़प रही थी, तो माँ ने उससे पूछा कि क्यों क्या हुआ बेटा. नन्ही कहाँ रह गई थी तुम, क्यों पीछे रह गई थी. तो नन्ही ने क्या कहा, वो बोली माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, मैं उस बेचारे को बचाने में रही थी तो मुझे देर हो गई. माँ खुश होकर बोली बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया, किसी की मदद करना ये अच्छी बात है, कोई मुसीबत में हो तो उस मुसीबत से हमें उसे बाहर निकालना चाहिए, हमारे लिए अच्छी बात है, ऐसा हमारे स्वभाव में होना चाहिए. यहाँ भी हमें यही बताया गया है कि ये बात अच्छी है कि तुमने उसे मदद की. किसने कहा, नन्ही की माँ ने उसे कहा. नन्ही बोली लेकिन के बोली माँ के बदले में बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया है. माँ बोली बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है कि वो अपनी गंदी आदत का गुलाम है कि वो कभी डंक मारना नहीं छोड़ता, चाहे कोई भी उसके साथ अच्छा सलूक कर दे लेकिन उसका स्वभाव ही ऐसा कि वो किसी को डंक मारता है. तुम उसे चाहे कितनी भी बार बचाओ
बार बार वह डंक तो मारता ही रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं इसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, उसकी गंदी आदत है तो मैं छुड़ा कर रहूँगी। हमें भी अपनी मित्र हो कोई तो उसकी गंदी आदत है तो उसको वहाँ से वापस लेना चाहिए कि नहीं ये तुम्हारी आदत गंदी है तुम इसको सुधारो। ऐसा नहीं चलता। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। फिर बिच्छू जो है वो फिर फंस गया कहीं। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा। जहाँ से पानी निकलता है ना, जहाँ से धार पड़ती है ऐसे ऊपर से पानी नीचे आता है, वहाँ वो गिर गया और डूबने लगा। उसे तैरना तो आता नहीं था तो क्या करे। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही याद आ गई। फिर उसे नन्ही याद आई क्योंकि पहली बार भी दलदल से नन्ही ने उसे बचाया था तो आज भी उसे नन्ही याद आ गई। और बिच्छू क्या करता है, नन्ही को पुकारने लगता है, नन्ही नन्ही कि मुझे बचाओ ऐसा कहता है। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। जो वो दर्द से बिलख रहा था तो नन्ही तुरंत जाती है। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। झपट के यानी दौड़ के सहसा ही उसके मन में विचार आया। अचानक उसके मन में विचार आया, अब मैं इससे गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। क्या हुआ, एक बार बत्तख के मन में नन्ही के मन में भी ये विचार आ गया कि नहीं अब मैं उसे नहीं बचाऊंगी। उस बार भी मैंने उसे बचाया था ना तो उसने क्या किया था मेरे साथ, उसने मुझे डंक मार दिया था। इस बार भी मैं उसे बचाऊंगी तो वो मुझे डंक ही मारेगा ना, अब मुझे उसे नहीं बचाना। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, यानी गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डूल गया क्योंकि नन्ही का स्वभाव क्या था, अच्छा था, वो किसी के भी मदद करना जानती थी, उसका स्वभाव ऐसा था। इसलिए उसका मन जो है वो जरा हिल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी आदत गंदी आदत जो छे छोड़ दी होगी कि चलो इस बार मैं उसे बचा लेती हूँ। नन्ही अपने मन से सोचते क्योंकि उसका स्वभाव कैसा था, अच्छा सोचना, किसी की मदद करना ऐसा होता है, इसलिए उसने अच्छा ही सोचा कि चलो इस बार तो उसने अपनी गंदी आदत जो है वो छोड़ दी होगी। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। दूसरी बार नन्ही ने बिच्छू को बचाया था। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा क्योंकि बिच्छू का तो स्वभाव ही था डंक मारना। तो फिर जब इस बार भी नन्ही उसे बचाती थी तो फिर वह डंक मारने आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। नन्ही को मालूम पड़ गया कि बिच्छू मुझे डंक मारने आ रहा है। वह मुस्कुरा कर बोले, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, यानी रुक क्यों गए, डंक मारो ही के, चलो डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, यानी कि शर्म से घबरा गया। वह खिसिया कर बोला, यानी कि ऐसे हम मुंह फुला के बोला, बहन एक बात बताओ कि मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की है, ऐसा क्यों? कि मैंने तो हर बार तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, पहली बार भी तुमने मुझे बचाया तभी मैंने तुझे डंक मारा, दूसरी बार भी आज तुमने मुझे बचाया तो आज भी मैं तुम्हें डंक मारने आ रहा हूँ, फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाई है, कि तुम मेरे साथ भलाई क्यों करते, ऐसा क्यों? तो नन्ही क्या बोली मालूम है, वो बोली भलाई करना मेरा स्वभाव है, कि मेरे स्वभाव में ही भलाई करना कि दूसरों की भलाई करनी चाहिए। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ, तुम जैसे भी हो मुझे क्या, मेरा स्वभाव अच्छा करना है, मैं तुम्हारा अच्छा करती हूँ, तुम्हें जो चाहे वो करो, तो मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ, मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े लोगों को बार बार बचाती रहूँगी। सामने वाला का स्वभाव जो भी हो मुझे उससे क्या है, मेरा स्वभाव अच्छा है, मैं उस स्वभाव से उस मुताबिक रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है तो तुम मारते रहो, देखते हो कौन जीतता है, अच्छे स्वभाव वाला जीतता है या बुरे स्वभाव वाला, देखते हो मैं जीतती हूँ या तुम जीतते हो। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, यानी बिच्छू को पछतावा हो और वो कहता है कि नन्ही बहन आज तो तुम जीत ही गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। उस दिन तो बिच्छू ने
बोल दिया, ननी खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी क्यों देर कर दी? तो ननी ने पूरी घटना बता दी, जो बात हुई थी बिच्छू के साथ वो पूरा का पूरे बात बता दी। बेटी ने कहा, देर कर दी? तो वो क्या कहते, मम्मी आज भी बिच्छू पानी के धार में गिर गया था, तो आदमी उसे बचाने चली गई, वो डंक मारने आया तो मैंने उसे ये बताया, तो वो उसको पछतावा हुआ और वो मुझे पूछता है कि तुम अपना स्वभाव क्यों नहीं छोड़ती? तो मैंने कहा, भाई मेरा स्वभाव तो किसी को बचाना है, इसलिए मैं मेरा स्वभाव नहीं बदलूंगी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार ननी, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाती है। ननी प्रसन्न होकर थिरकने लगी यानी नाचने लगी। उसे खुशी हुई कि नहीं, आज मैं बिच्छू को भी अपना स्वभाव बदलने पर मजबूर कर दिया, उसका जो बुरा स्वभाव था वो मैंने सुधार दिया। इस पाठ के लेखक कौन है, किसने लिखा है मालूम है आपको? शंकर सुल्तानपुर। तो बच्चों, हमें भी इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, इसका स्वभाव जो भी हो, हमें तो किसी के साथ करना है तो अच्छा ही करना है, किसी के साथ बुरा करना नहीं। वो हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, कितना भी गलत व्यवहार करे, लेकिन हम क्या करेंगे, तो कि हम उसके साथ अच्छा ही करेंगे। नमस्ते, थैंक यू।